जकड़ लो उसके हाथ को और फिराओ, तेजी के साथ फिराओ, उखाड़ के ले लो वो हाथ, हाँ फिराओ उसके हाथ को तेजी के साथ। जकड़ो तेजी से, बोल जल्दी। झगड़ो उसके हाथ को तेजी से, ले लू काट के ले लू भाई टांग दू, ये सब हाथा कर तेरे टुकड़े करके, हाँ काट के टांग का भाई सही से जवाब दे रहा, जल्दी बोल। हाँ जोर से बोल, दे रहा ना सही सही जवाब, हाँ चल बोल। बच्ची के अंक कितने साल से साल से कैमरा लो उधर से, हाँ कितने साल से, जोर से बोल, फुल कम कर दो, हाँ कितने साल से, एक साल से, एक साल से। क्या करके मारो बोले बच्ची को, एक्सीडेंट करके, बीमारी डाल के, गला के, सुसाइड करा के, कैसा मारो बोले, हाथ के दर्द पे डाल के, हाथ पर दो, हाँ पूरा गिरा के, आंग गिरा के मार देने का था, पलंग पे से नहीं उठा, अच्छा पलंग पे से नहीं उठना, वैसे पलंग पे गिरा के मारने का हुकुम दिए। अच्छा जादू चलाते वक्त बच्ची का क्या लेके गए थे, कपड़ा चप्पल मट्टी क्या लिए थे, मेरे पैर बहुत चलता था। जल्दी बता, तूने तो तब भी दो टुकड़े कर दूंगा एक मिनट के अंदर, मट्टी लेके थे क्या, चप्पल लिए थे, मट्टी लेके थे, और उसके अलावा बच्ची के बाल कपड़ा कुछ लिए थे क्या, कुछ भी नहीं, मट्टी की चप्पल वो लेके गए, चप्पल के लिए तलवे की मट्टी लिए निकाल के, तलवे की मट्टी। अच्छा नाम तो नहीं पूछा मई, उसके ससुराल के लोग ले गए, मायके के लोग लेके जादू करने के वास्ते, सही बोलना तो दो टुकड़े कर दूंगा अभी, जल्दी लो काट के भस्म कर दूंगा, करूं काट के, जल्दी बयान कर, कौन ले गया था उसके, मायके की तरफ के थे ससुराल की तरफ के थे लोग, अलग रह रहे थे, हाँ तो कौन किधर के लोग ले गए, नाम नहीं पूछा मैं, सिर्फ लोग किधर के थे, मायके की तरफ के लोगों ने जादू करे बच्ची के ससुराल की तरफ के करे, जल्दी बोल, ससुराल की तरफ। अच्छा और ये बच्ची को जो खिलाए दवा लाके, तो किस चीज में खिलाए, चावल सालन रोटी क्या था वो, सही बोल, जकड़ो उसको अंदर से और तेजी के साथ, आया याद कहीं में खिलाए तो कि तोड़ दूं पूरा, कहीं में खिलाए, क्या का खाना था वो, जोर से बोल, सादा, हाँ सादा, क्या सादा, क्या सालन था, सादा था, सादा खाना, सादे खाने में क्या था वो, सालन चावल दाल रोटी क्या था, सीधा बोल कमबख्त, हाँ सही बता जल्दी, हाँ आया याद आया क्या, पूरा टुकड़ा करूं, हाँ दाल में खिलाए, तो ये बच्ची के घर को लाके दिए थे क्या, उनके घर पे दावत देके खिलाए, दावत दिए थे क्या, भेज के दिए थे, बुला के वहां कहाँ खिला दिए, कितना टाइम हो रखी लागे, जल्दी बयान करनी, दो टुकड़े करूंगा, एक साल, एक साल,
और जब से तू लग के उसको अंदर से पूरी बीमारियां बीमारियां लगा के मारने भी बैठ गया था उसके अंदर घुस के। हो रे हाँ क्या पूछा मैं जवाब, जल्दी टाइम नहीं रहता मेरे पास, मैं तो अब भी हुकुम देके दो टुकड़े कर दूंगा। पैर हाथ कम्बर आधा अड़ंग गिरा के मारने को भेजे थे तेरे को इसके घर से, और किसको मारने का है? बच्चों को, शोहर, बच्चे है क्या? नहीं नहीं, बच्चे क्यों नहीं, शादी हो की तड़म हो रहा, सात हो गए, आठ चल रहे। और तू पहले सोचे तो बाद में आ, बाद में। अच्छा तू शमशान से पकड़े थे, कब्रस्तान से पकड़े थे, एक कैमरा लेकर से, हाँ जोर से बोल, कब पकड़े थे और कहाँ से पकड़े, शमशान से कब्रस्तान से? रास्ते में जा रहे थे तो पैर की तरफ से। अच्छा तो तेरे को डायरेक्ट हुकुम दे दिया कहीं से पकड़े घुस जा, और तुम मरे आला है कि खबीस की नस्ल में से है? जिंदा। जादूगर है तू, जादू कर रहा बैठ के, ऐसा लोगों को परेशान करता, ला फिरा उसके हाथ को नाला के तेजी के साथ, झगड़ो उसको और तेजी से। कौन से गांव का है तू? कौन से गांव का बोल, मैं तो कभी पूरा जला दूंगा। गांव का नाम, शहर का नाम। कुतुर। वहां का है करेगा लोगों पे जादू, सतेंगा ऐसा दोबारा किसी को, बहुत मनमाना चल रहा तुम्हारे सालों कमीनों, उसकी सारी सिद्धि को जकड़ के लो उसकी, और मार मार के उसको फटके मारो, उसको रात दिन आंघार लगा दो, उसके आंग में जलन पैदा कर दो, उसके आंग में उसको तकलीफा बताओ कैसे रहते हो, सब वारों पर पलटा होते एक साथ में, और ये जकड़ के सारी तंत्र मंत्र क्रिया को मार मार के खत्म करने की तैयारी करो। चलो इसको सब जला जला के तंत्र मंत्र की क्रियाओं को, जादू टोनों को सबको, और खत्म कराओ कम्बखत के मार के तेज एक साथ, बाद में उसके नामा वामा सब जानेंगे क्या दास्तान है, अभी उसको जकड़ के जंजीर डाल के आज रात 12 बजे के बाद से मार के सब खत्म करना चालू कराओ। चल निकल, चल ले जाओ ले जाओ उसको जकड़ के तेज शिक्षा जंजीर में डालो, बन के डालो, और सारी उसकी नस नस में की दवा भी निकालने की तैयारी करो। क्या नाम है उनका? वसीमा बेगम। वसीमा बेगम, अरे क्या होगा, उठो। हाँ आराम से आराम से, चल अभी इधर चला मेरी तरफ से कैमरा। क्या हुआ, कहाँ से आए? ये कौन है? ये वो ये तू पीछे खड़ा ले, वो इधर खड़ा ले, ये जो दास्तान है इनकी तो ऐसा मसला है कि कुछ इनको हिला के करके, जो वारा मार के जादू टोने करके, वो जादू करने जो हरकतें करा, तो वो सब खुद ब खुद आए वाला नहीं है, खुद ब खुद लगे वाले वार, वो जो खुद ब खुद लगे वाले जो बलाएं रहते वो अलग रहते, वो कैसे कहीं का कोई बदरू कोई मर गया वाला, कहीं एक्सीडेंट होकर कोई मरा वहाँ भटक रहा, वो लगे वाली दास्तान अलग रहती, कोई जिन्नात की नस्ल से जिन्नात खुद ब खुद लगे वाले, उनके तुम एरिया में गए हद में गए
या उनसे तुमने कुछ वहां गलती कर दी और वो तुमको लग गया। हदीस के अंदर भी आता है कि तुम रात के वक्त अगर तहारत के लिए बैठ रहे तो पहले खंखारो और तीन कंकर मारो, एक दो तीन, उसके बाद तुम बैठो। तुम डायरेक्ट अगर तुम तहारत के लिए बैठ गए और वहां पर कोई जिन्नात का घर या बसे रहे कुछ है और उसके ऊपर तुमने तहारत कर दी तो फिर वो पलट के तुम पे हमला करता। तो वैसे अगर लगे वाली दास्तान रहती तो मैं एक मिनट में निकाल के रफा दफा कर देते, वो रफा दफा हो जाता। फिर उसके बाद में वार वाले जो रहते तो उनको पैदा करते, उनको खुद ब खुद नहीं आते, वो उनको पहले पैदा करना पड़ता होंगे, जो भी अमल अमलियात जैसी भी दास्तान चलती है उस हिसाब से। फिर बाद में वो यानी कि जागरूक करना, जिसको बोलते ना जागरूक करके शमशान उठाना, कब्रस्तान उठाना, उस हिसाब से उठा के वार छोड़ देते। फिर वो वार क्या करते, वो बरोबर तुम्हारे को ढूंढते हैं, उनको उतनी ड्यूटी रहती तुम्हें कैसा मारना, कैसा परेशान करना, कैसा खत्म करना। और जो जादूगर जो आता, जिन्ना शैतान तो आते जाते, उसके अलावा अब भी उन्होंने बोला कि मैं जादूगर हूँ और इनके गाँव का हूँ, जादूगर भी सामने, वो जिसने जादू करा उसको भी पकड़ के ला के सामने बात कराते मेरे। मगर वो क्या रहती वो दास्तान मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन कराऊंगा, मैं कैसी रहती क्या रहती। शैतान को आना ही आना पड़ता, शैतान नहीं आया तो उसको जो जिसने जादू चलाया उसको पकड़ के लाते लास्ट में, और उसको लाने के बाद में फिर उन्हें सब तोते के जैसा बयान करता सामने। देखे ना अभी कैसी दास्तान बयान करा, क्या क्या लिख गया, मुझे तो वही तो उनके गाँव का भी नहीं, उनके गाँव का नाम भी नहीं आ रहा क्या है तो गाँव का नाम, मगर कैसी दास्तान निकली सब सामने, कैसा आया मुझे थोड़ी मालूम था। बीमारी पे डाल के खत्म करने वाले थे, बीमारी पर डाल कर बोले तो कैसा, हाथ को कुछ तो भी प्रॉब्लम कर रहा था, हमें पैर को भी प्रॉब्लम कर रहा था और कंबर में भी प्रॉब्लम कर रहा था, यानी कि तुम लोगों को ऐसा लगना था पॉलिश काटेक होगा क्या कि नसा ब्लॉकेज हो गए क्या कि कुछ भी ऐसा मोहम में, वो बीमारी के मोहम में डाल के खत्म कर देने वाली मुद्दत थी। और जो दास्तान रहती जादू टोने की, तो ये सब अलग अलग किस्म के वार होते हैं। तब ये जो था तो ये जान से खत्म करने वाले वार थे, और ये कैसे किस्म में की वार है, ये खुद ब खुद ने चले, ये बच्ची के ससुराल के तरफ के लोगों ने लाके डाले। अब कौन डाले क्या डाले वो तो मेरे सामने शैतान के बाप को भी आके बयान करना पड़ता, और शैतान अगर नहीं है तो वो जिसने जादू करा उसको आके सामने बयान करना पड़ता कि कैसा डाला, क्या डाला, कौन ने करवाए, क्या नाम है। वो तो इंशाल्लाह आगे सब पूछूंगा क्यों करे सो, दोनों अलग रहते मियां बीवी बोल के घर पे बुला के दाल वगैरह कुछ तो भी उसने बयान करा, उसने कोई डिश है वो डिश में मिला के खिला दिए। अब क्या है तुम सुनो, तुम जस्टिफाई करो क्या करा मैंने, कैसा करा, क्या दास्तान है, तुम्हारे सामने बता दिया, लाया मैंने पढ़ा अल्लाह के कलाम की ताकत से तुमको बता दिया, सच नाम अल्लाह का अज़ान हो रही है और अल्लाहुम्म लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान हुए तक उसको रोको जरा, अजान हो रही थी, अजान का भी अदब करना बहुत जरूरी है। अजान के वक्त तुम कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक के हत्ता के तुम कुरान भी अगर पढ़ रहे होंगे तो उसको भी तुम खूब बंद कर कर अजान पर गौर करना है, और अजान के साथ उसके सारे तलफ़ुज़ दोहराना है। और अगर तुम नहीं दोहराएंगे और नहीं सुनेंगे, टेक इजी लेंगे, तो तुमको मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब नहीं होगा। और सबसे बड़ी क्या बोलते तो फिर गई तुम्हारी दुनिया आखिरत, इसलिए अजान का बहुत अदब करना है, बहुत एहतराम करना है। अजान के अदाब में से ऐसे भी अदाब है कि अजान होने लगी और तुमने ऐसा कर दी हो, अजान हो रही है ऐसा डिस्टर्ब माजल्ला कर ऐसा सोच लिए तो तुम इस्लाम से खारिज हो गए, ईमान चलेगा तुम्हारा बाहर, तुम इस्लाम से खारिज, तुमको डबल से निकाह करना पड़ेगा, डबल से कलमा पढ़ना पड़ेगा। इतबाल से बारी के इस्लाम के चलना भी मजाक है क्या, और ये सब बात इस्लाम के तो मायने, तुमको इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जो अदब और तमीज़ सिखाता, इसलिए बहुत आदाब और तमीज़ करना है अल्लाह उसके रसूल की, कुरान की तिलावतों के, अजान की, ये सब चीज़ों के। तो तुम बहुत ये सब बातें पे अमल करोगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा, तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा तो तुम्हारा दुनिया आखिरत दोनों जगह में भी कामयाबी अता होंगी अल्लाह के फजल करम से। वरना ईमान अगर बेच देंगे और बेच के दुनिया खरीद लेंगे तो फिर गई तुम्हारी आखिरत, इसलिए दुनिया को बेच दो और आखिरत को खरीद लो। इबादत के रस्सियों को मजबूती से थामो, क्या बोलते जादू टोना नहीं रहता, शैतान जिन्नात नहीं रहता, देखे कैसा बीमारियों पर डालकर किस तरीके से लोगों की जानें निकाल देते, हटाने वाले तो ओरिजिनल नहीं बैठे रहते, डुप्लीकेटा तुम्हारा कुछ छिल छिल के खा के कुछ भी उल्लू बना के लास्ट में घर करा देते, तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन से भी कमजोर करा देते, उस वक्त पेशेंट की जान भी चले जाती है। तो बेहतर है कि अल्लाह वालों के दर
आज भी तो अल्लाह ने अल्लाह वालों के दरों पर आज भी तो फैज जारी रखे अल्लाह है। बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले ये लोग ऐसे रहते कि इनकी दर से अल्लाह का दर से जुड़ जाते तुम अगर इनके दर पे आ गए तो, क्योंकि ये तुम्हारे को लिजा लिजा कर कहां ले जाते ना, तुम्हारे को अल्लाह और रसूल की रस्सी से ही मजबूती से जुड़ाने के लिए। बाकी तुम शैतान वालों के दर पे जाएंगे तो बरोबर तुम्हारे को शैतान के साथी बना के शैतान के साथ जोड़ने के लिए ले जाते वो लोग। तो बेहतर है इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना। बुजुर्गान दीन वली अल्लाह और ये अल्लाह इनका बहुत अदब करना है, बहुत अदब करना है, बहुत अदब करना है। जरी भी बेअदबी करेंगे तो कोई भी मसलक के होंगे तुम तो पूछ लो तुम्हारे उलमाए दीन से, सबसे वो तुमको बता देंगे कि बुजुर्गान दीन का अगर जरा भी शान में उनके गुस्ताखी करे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जलाल आ जाता अल्लाह को और फिर अल्लाह ऐसा आलम करता तुम्हारे को गर्क करा देता, हलाक करा देता। क्योंकि अल्लाह फरमाता कि जरी सी बुग्ज दिल के अंदर खाली बुराई इतनी सी रखी तिल बराबर भी मेरे वलियों के वास्ते, तो मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान करता हूँ अल्लाह ने बोल के फरमाया। कहाँ भागेंगे, अल्लाह से लड़ सकते क्या, जंग कर सकते क्या, हाँ कैसा बेवारिस समझते क्या बुजुर्गान दीन को वली अल्लाहों को, बताऊं क्या वाकया। एक तवायफ और उसका एक जो आशिक था वो दोनों से रोड के साइड से, वो तवायफ बोले तो उतर कर जा रही थी और वो उन्हें उसको उतार रहा था उसका आशिक। ऐसा हो गया कि एक बुजुर्गान दीन थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह ने वलायत में भी अलग अलग किस्म के वलायत रखे वाली है, कुतुबे हैं, अब्दाल है, औली वली अल्लाह है, बहुत अलग अलग उनमें भी डिग्रियां हैं, जैसे तुम्हारे में डिग्री रखते ना BA MA MD फलाना ढमका, तो उस तरीके से। तो वो कुछ नजूमी किस्म के भी वली रखे अल्लाह के, जो कि उनको कई केस कुछ नहीं रखा, जैसा कि दीवाने की जैसी कैफियत तुम देख के बोलेंगे अरे अरे तो दीवाना दिख रहा है क्या है कि, तो वो भी एक अलग मकाम पर फैज, वो एक अलग मकाम पर उनको भी अल्लाह ने बिठाया हुआ करता गद्दी देकर। तो वहां से जा रहे थे चिक्कड़ में से, बच्चे का सा खेलते था छप 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 पैर मारते हुए, तो बारिश रुकी थी, तवायफ उतर रही थी और उसका आशिक उसे पकड़ के उतार रहा था, तो बुजुर्गान दीन भी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या करे था छप छप नजूमी टाइप के थे, वो छप 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 मारते हुए गए और जाते वक्त क्या बोलते, तो उनके छींटे उसके दुपट्टे पे उसके आंचल पे उड़ गए। तो उड़ते थे उसका जो आशिक है, वो आशिक ने क्या करा था देखा, देख के बोला कि बोले ये ऐसा कैसा बेअदब इंसान जा रहा, बोले ये बच्चे के जैसा खेलते होते कुछ समझ आने, बोले मेरे इनके इस पे छिटे आ गए, बोले उनसे दुपट्टे पे जो भी था उसका घाघरा वाघरा XYZ उस पर छिटे उड़ गए। तो उन्होंने क्या करा, जिप बोल के हजरत को एक थप्पड़ मार दिया, मारते थे उन्होंने देखे और देखने के बाद बोले वाह अल्लाह तेरे की आशन, कुछ नहीं बोले निकल जा अल्लाह तुझे माफ करे, ऐसा बोल दिया। बुजुर्गान दीन वली अल्लाह तुम्हारे को कभी नहीं कोसते, कभी तुम्हारे को मारते नहीं, कभी तुम्हारे को हलाक गर्क करने का नहीं सोचते, उनके पीछे जो बैठे उनका मालिक उन्हें हलाक और गर्क कर देता तुम्हारे को। उन्होंने बोले अल्लाह है ना कुरान हदीस खुदूस में फरमा दिया ना, उन्होंने पढ़ो ना वाला। फिर वो बुजुर्ग आगे गए, आगे जाने के बाद में एक शख्स ने उनका देखा गाड़े वाले ने, वहां की मार्केट था थोड़ा सा, तो उसने क्या करा उनको बोला लो बैठो और उसके तरफ से दूध दिया उन्होंने उनको पीने के लिए। तो उन्होंने दूध का गिलास ऐसा देखे और देखकर बोले कि आसमान की तरफ देख के कि या अल्लाह कहीं थप्पड़ खिला देता तो कहीं दूध पिला देता, तेरी भी शान अजीब गरीब निराली है बोले। और वो दूध का प्याला लेके नोश फरमाने लगे पी रहे कि उतने में थोड़े लोग भागते हुए आए उनके तरफ और आके बोले कि हजरत क्या करे तुमने, ऐसा कौन है तुम, कौन से जादूगर है, क्या जादू चला दिए उसके ऊपर। तो जो शख्स ने अभी तुम्हारे को थप्पड़ मारा ना, तो थोड़ा आगे गया, आगे जाते थे उसके पैर स्लिप हो गया, सीढ़ी पर से जा रहा था ऊपर उसके तवायफ पे पहुंचा रहा था, तो पीट के तो मन के उपड़ गए उसके, और ऐसा आलम होगा उसका कि उन्हें जगह पे क्या बोलते पीट के मन के उपड़ गए, हल भी नहीं सकरा डुल भी नहीं सकरा, क्या जादू कर दिया तुमने। तो उन्होंने बोले इसको जादू नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं, उन्होंने उसके आशिक के ऊपर दो तीन छींटे उड़े मेरे पैर से छपक करते हुए जा रहे थे, तो उस वजह से छींटे उड़े, तो उन्होंने उसके आशिक के लव में मुझे थप्पड़ मार दिया उसके माशूक की इज्जत रखने के वास्ते, तो मैं भी तो बेवारिस नहीं हूं ना, मेरे आशिक ने फिर पलटा के उसको मारा। तो अल्लाह उनकी बहुत खैर करता, बहुत उनसे मोहब्बत करता वलियों से अपने, बोल के तो फरमा दिया ना कुरान के अंदर के वलियों की जैसी इबादत भी कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा तखवा भी कोई नहीं कर सकता। अला इन्ना औलियाल्लाह ला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून, अल्लाह फरमाता हकीकतन मानो में अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह का वली, हकीकतन मानो में अल्लाह से डरता वो अल्लाह का वली, बाकी तो फिर सब तुम लोग हाँ बातें करते बंडल बाजे भंगारे बोल के पहले अल्लाह ने कुरान में बता दिया। इसलिए बार बार कहूंगा कि अदब करो, अदब का मकाम बहुत बड़ा रहता। और दूसरी बात ये जो वार हम मानते नहीं शैतान नहीं है, हम मानते नहीं जिन्नात नहीं है, हम मानते नहीं जादू नहीं है, कैसा नहीं है मियाँ, देखो ना प्रैक्टिकल में बता रहा ना मैं सब लोगों को अल्लाह के हुक्म से, ये भी क्या मेरी के बस की बात है क्या बताना, अल्लाह का निजाम है वो सब, अल्लाह तुम्हारे को क्या बोलते तो बता रहा मेरे जरिए देखो, क्योंकि अल्लाह खुद जमीन पे नहीं आता, अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों से काम लेता।
अल्लाह से नूर को बर्दाश्त करने की गैलेक्सियों की औकात नहीं है तो जमीन क्या बर्दाश्त करेंगी, वो सूरज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के 70,000 पर्दे भी हटने बाकी थे, खाली वो किसी कदर तजल्ली देखने से पहले चल के राख हुआ था ना। मूसा अलैहिस्सलाम का कोई तूर का पहाड़ सबको तो मालूम है ना वाकियात, तो ऐसे बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे बातें, तुमको क्या पता। कुरान में भी तो पढ़ो, समझ के पढ़ो कुरान को, तो बहुत कुछ जानेंगे। नहीं समझेंगे, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। बार बार एक बात बताऊंगा, कुरान हदीस अल्लाह रसूल ये रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम क्या बोलते, तो दुनिया आखिरत सब बनेगी तुम्हारी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ और दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, ये जहां पर भी मिल गए उनके दामनों को मजबूती से थाम लो। एक मैं तुम्हारे वास्ते छोड़ रहा हूँ, मेरे अहले बैत आले रसूल औलादे अली, ये तुम्हारे वास्ते छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे अहले बैत जहां मिल जाएंगे उनकी रस्सियों को मजबूती से थाम लो, और अगर तुमको वो नहीं मिले तो फिर हदीस और कुरान को मजबूती से थामो, क्योंकि दोनों भी चीजें तुम्हारे अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक लाके तुम्हारे वो ओरिजिनल जो सिरातुल मुस्तकीम की राह है उस पे चलेंगे। बहुत सारे बातें हैं कहने सुनने से, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए ज्यादा से ज्यादा। और बार बार मैं ये बात कहूंगा कि नहीं, हम ये बातों को मानते नहीं, ऐसा रहता नहीं, हम जा रहे हैं सही है, तुमको दवा खाने में फैज हो रहा तो जाओ दवा गोली लो। बार बार तुम दवा गोलियां खा रहे, बार बार तुम सर्जरियां कर रहे, तुम्हारे को एक सर्जरी हटी की दूसरी लग रही, दूसरी हटी की तीसरी लग रही। इससे पहले पूछा है ना उन्होंने, इससे पहले पेशेंट बुलाए अंदर लाते जो सियांग में आ गया, वो बोल रहा कि छोड़ दो छोड़ दो मैं चल जाता, हिंदू का पेशेंट है, ये कुर्सी के ऊपर बिठा के मैं उसको चेक कर रहा था खड़े रह के। क्या बोल रही थी बोला, पहले मैंने इसके इसके हार्ट का पहले इसको मैंने बोलाया फालिश या कुछ बोलता हो, फिर उसके बाद मैंने इसको उन्होंने वो राइट करे कि फिर मैंने इसकी ओपन हार्ट सर्जरी कराया, फिर ओपन हार्ट सर्जरी कराने के बाद मैंने क्या करा, अब उसके पैर फुला रहा था, फुला फुला के सड़ा रहा था, मैं पूरा वीडियो में कवर करा वाला देखो। तो कैसा करते बोला, ये बार बार बीमारियां पे बीमारियां आ रही, बार बार तकलीफों पे तकलीफा हो रही, बार बार कारोबार में रुकावट आ रही, कंपनी जीरो पे जा रही, जेब में के पैसे खिसक जा रहे, तो कुछ राज होगा ना कुछ तुमको जो तुम्हारे से पहले पहुंच के बर्बाद कर दे रहा, हलाक कर दे रहा, गर्क कर दे रहा है सब दास्तान। तो कहे मेरा यही मकसद है तुम लोगों को कहना और बताना कि तुम अगर नहीं मानेंगे तो किसका कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी खराब, तुम्हारे भी होंगे, तुम्हारे बाल बच्चों के भी हो जाएंगे। तो इसलिए सबका सोचो, और हर जगह हटाने वाले तो नहीं बिठाया अल्लाह ने, बुरा करने वाले तो जगह जगह मिल जाएंगे तुम्हारे, मगर अच्छा करने वाले बहुत कम रहते, जहां तक एरिया में अल्लाह गद्दी देता विरासत तो वहां तक बिठा दो, बहुत रास है तुमको नहीं पता। मगर इतनी बात याद रखना, हदीस और कुरान तो दिया लिए तुम्हारे, उस पर अमल करो, फिर कौन तुम पे जादू करता देखो, किसका जादू नहीं चल सकता अगर करे। हाँ, जादू चल जाने के बाद में जाएंगे इबादत करने, तो इबादत वहां तक जाने देते शैतान तुम्हारे रोकते, और पहले से करते रहे तो फिर तुम्हारे नजदीक नहीं आते। ये सब राज है, ये सब जानो ना। घर के अंदर एक मामूल बनाओ पढ़ने का, रोज रात में तुम बहिश्ती जेवर पढ़ो, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ाओ बच्चों को, या कुरान जो भी तुम पढ़ा सकते पढ़ाओ रात में एक घंटा आधा घंटा बैठ के। माँ बाप का काम रहता, माँ बाप ऐसा क्या बोलते, तो बैल और जनवरा नहीं है, खदान बैल के बच्चे जा रहे, बैल गधे के पीछे फिरते हुए, वैसा आलम नहीं ना। तुमको अकल अजीम दिया अल्लाह ने, अशरफुल मखलूकात में रखा अल्लाह ने तुम्हारे बना के, तो तुम्हारा काम है रात में एक घंटा तालीम देना बच्चों को बिठा के। ये बोलना कि बेटे इधर आओ, सब पूरे बच्चे आओ बैठो, यहाँ घर के अंदर आओ, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को लाओ सब बैठो, क्या मसला, चलो अड़ोस पड़ोस के नहीं आ रहे तो कम से कम खुद के बच्चों को तो सुधारो। तुम मरेंगे कल तो तुम्हारे खबर में ईसा अलैहि सलाम पहुंचने के बजाय अजाब पहुंचेगा। यकीनन माँ बाप जो बच्चों को सिखा के जाते या नहीं सिखा के भी गए तो भी माँ बाप के ऊपर अजाब होता खबर में। तुम अगर सिखा के जाएंगे अच्छे अखलाक तो फिर तुम्हारे फैज अल्लाह की तरफ से रहमत बरसती है तुम्हारे खबरों में, और गलत सिखा के जाएंगे तो तुम्हारा बच्चा मोबाइल खेल रहा 12 घंटे 15 घंटे मोबाइलों में लगे आले, टीवी में लगे आले, बिजी है बिजी, तो तुम एक घंटा आधा घंटा इसमें भी लगाओ, जिक्र अस्कार में, इबादत में, सामने बिठाओ उनको, समझाओ, एक हदीस सुनाओ शाम के वक्त, रोज एक हदीस सुनाते रहो, रोज एक हदीस पढ़ो, तो बताओ 365 दिन में एक साल में तुम 365 हदीसें सुनाते हो बच्चों को, तो उनका ईमान मजबूत होगा, उनका दीन मजबूत होगा, उनका दीन और ईमान मजबूत होगा, तुम्हारी भी खबरें मजबूत होना चालू होती। खैर, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। हाँ, कहाँ से आए थे? कुत्तूर से आए, निजामबाद से आए, बच्चे है निजामबाद में रहता, मैं उधर बिंगमल कुत्तूर पंखा डाल दो वहाँ से बच्ची के, मैं कुत्तूर को दी गोनियापुर से, ये तो बच्चे की तबीयत खराब हो गई बोल के जाके। खैर, इंशाल्लाह अमला करो, अल्लाह के करम से अमल रहते।